मैं आयशा परिन ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समय तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। अगर पार्ट टू निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, तू दिखेगा तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी कि तू खुद तेरे घर वाले खुद नहीं पहचानेंगे तुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, आयशा फरीन। आज हैदराबाद में रात से जो माहौल खराब है, एक राजा सिंह सुअर ने, सुअर का बच्चा ने हमारे हुजूर के शान में गलत बात की, गलत सलग बात करी। आज शहर में माहौल खराब है, बड़ी अफसोस है, बड़ी मायूसी छाई हुई है हम मुसलमान, सारे मुसलमानों के दिल में एक तकलीफ सी है। और मैं सारे नौजवानों से हैदराबाद के मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो रात भर प्रोटेस्ट करके राजा सिंह को अरेस्ट कराए, शुक्रिया। और रही बात, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अरे राजा सिंह सुअर, अरे तेरा को कैसा मुंह खुल रहा है बात करने के लिए? अरे सुन रहे, तू पढ़ा लिखा है रे, जाहिल है तू, कोई मजहब को गाली देना सिखाती रे? ना हमारी मजहब हिंदू मजहब को गाली देना सिखाती, हिंदू मजहब ना मुसलमान कोई मजहब को गाली देना सिखाती, तू कौन सा कान से पैदा हो गया रे? जो पागल हो गया क्या रे सुअर, पागल हो गया क्या? अरे इतनी तेरा मुंह खुल जा रहा, तेरे को इतना आजादी मुंह खोलने की कौन दे रहे रे? कहीं ना कहीं टीआरएस गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि राजा सिंह कब से एमएलए बना हुआ है, कब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जब से टीआरएस गवर्नमेंट रूलिंग कर रही है तेलंगाना में, और राजा सिंह के ऊपर इतने सारे केसेस है, आप देख सकते हैं, देखिए आप इतने सारे केसेस है। टीआरएस गवर्नमेंट क्यों खामोश बैठी हुई है, क्यों मुंह को टेप लगा के बैठी हुई है, क्यों चुड़िया पहन के बैठी हुई है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों टीआरएस गवर्नमेंट को भी पसंद है क्या शहर का माहौल खराब होना, बल्कि शहर में माहौल खराब हो जाना? बल्कि मैं ये बोलना चाह रही हूं कि टीआरएस गवर्नमेंट को राजा सिंह को जल्द से जल्द उसके ऊपर पीडीएफ डालो और फास्ट ट्रैक में डालो। टीवी विक्रमा देश निम्म कैयल्लि। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.